गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन ई लर्निंग साइंस क्लास। इन प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस सो मेनी टॉपिक लाइक कंबक्शन, हाउ कंबक्शन कैन टेक प्लेस, हाउ कंबस्टिबल सब्सटेंस, इग्निशन टेम्परेचर, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। टुडे आई विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम। लेट्स स्टार्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम। फर्स्टली वी विल मेक कैंडल, कैंडल। नाउ नेक्स्ट वी विल मेक आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए कैंडल ब्लू इन कलर, ब्लू फ्लेम। गोल्ड स्मिथ यूज आउटर मोस्ट जोन टू कंप्लीट टू मेल्ट गोल्ड। नाउ नेक्स्ट वी विल मेक सेकेंड जोन मिडिल जोन ऑफ middle zone which is yellow in color, moderate hot, and innermost zone black in color. Incomplete combustion can take place. So you will make this diagram in your fair notebook. Outermost zone complete combustion. Goldsmith used outermost zone to melt gold. Second, middle zone of partial combustion, yellow in color. Innermost zone, incomplete combustion, unburnt wax vapor, black in color. यहाँ पर अगर हम कह दें unburnt wax, तब पर भी ये बात गलत नहीं होगी। Unburnt wax, जो जलती नहीं है, इनकम्प्लीट कम्बक्शन है। इसमें पार्शियल कम्बक्शन है सेकंड जोन में, और आउटर मोस्ट जोन में कम्प्लीट कम्बक्शन है। सो यू विल मेक दिस डायग्राम इन योर फेयर नोटबुक। नाउ आई विल डिस्कस ए फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी मीन्स होता द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबक्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इज कैलोरीफिक वैल्यू। अंडरलाइन ऑल दिस लाइन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबक्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। इसको हम किस में मेजर करते हैं बेटा? इसमें इसको हम मेजर करते हैं किलो जूल पर केजी में। किस में मेजर करते हैं? किलो जूल पर केजी। तो क्या कहलाता है बेटा कि कैलोरीफिक वैल्यू इज मेजर्ड इन किलो जूल। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय कंप्लीट कंबक्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज नोन एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। इट्स मेजर इन किलो जूल पर केजी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट। कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा। ठीक है, जब कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जलता है तो कुछ ना कुछ अनबर्न पार्टिकल्स, अनबर्न जो प्रॉपरली बिल्कुल बर्न नहीं हो पाते, उनमें कार्बन का कुछ अंश रह जाता है। जब ये हमारे लंग्स में पहुंचता है, जब ये पार्टिकल्स हमारे लंग्स में जाते हैं तो फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं? लंग्स की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको पूरा चोक कर देते हैं, मतलब डैमेज कर देते हैं। तो क्या हो जाता है? अस्थमा हो जाता है कि प्रॉपर ऑक्सीजन गैस हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाती। इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ दिस फ्यूल गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO गैस। इट इज़ वेरी पॉइजनस, इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन ए क्लोज रूम। आपने देखा होगा कि अंगीठी जला करके लोग जो हैं घर के अंदर बंद करके सो जाते हैं तो सुबह उनका दम घुटने से क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। आपने कई बार न्यूज़पेपर में सुना होगा। ये इसलिए होता है कि इट कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच की सप्लाई को कट कर देती है। हमारी जो मसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको कट कर देती है और जिससे कि डेथ हो जाती है।
ठीक है, कंबक्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, CO2 गैस, और जिससे इंक्रीज हो जाता है कंसंट्रेशन इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर और कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, एक गैस चैम्बर बन जाता है और क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस, सफोकेशन प्रोड्यूस करती है, मतलब हमें दम घुटने लगता है, कोरोसिव इन नेचर होती है। मोरीवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, NO2 और SO2 जो होते हैं वो, ये जब रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये भी ये क्या, दिस इज द कॉज ऑफ एसिड रेन। सो आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया है, सो यू फाइंड आउट क्वेश्चन आंसर इन बुक। थैंक यू, हैव ए नाइस।